धोनी के इस छक्के के बाद जहां जीतने वाली टीम के प्लेयर्स रो रहे थे, वहीं हारने वाली टीम के कप्तान के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उस दिन दुनिया ने एक ही जगह पर खुशी के आंसू और निराशा की मुस्कान को देखा। महिला जयवर्धने की कप्तानी में श्रीलंकन टीम को 2007 वर्ल्ड कप फाइनल्स में हार का सामना करना पड़ा। 10 साल बाद वर्ल्ड कप के इतना करीब आके हारना किसी भी टीम का मनोबल पूरी तरह से तोड़ सकता है। महिला जयवर्धने विल गिव अप टेस्ट इन वन डे कैप्टेंसी ऑफ श्रीलंका आफ्टर देयर टूर ऑफ। इस वजह से जयवर्धने ने टीम के हित के लिए कप्तानी छोड़ने का डिसीजन लिया और 2011 वर्ल्ड कप के लिए टीम के नए कप्तान को तैयारी के लिए 2 साल का वक्त मिल जाए, इसीलिए उन्होंने अभी ये फैसला किया। कुमार संगकारा को टीम का नया कप्तान बनाया गया और लक्ष्य था 2011 वर्ल्ड कप। कुछ ही महीने बाद हुए 2009 T20 वर्ल्ड कप के फाइनल्स में भी टीम को हार का सामना करना पड़ा। 2011 वर्ल्ड कप शुरू हुआ, लीग स्टेज के 6 में से 4 मैच जीतकर श्रीलंका अब फाइनल्स में इंडिया के सामने खड़ी थी। हार के बाद वो निराशा वाली मुस्कान, जिस मुस्कान के पीछे 2 करोड़ लोगों की उदासी छुपी हुई थी, ये कहानी उसी मुस्कान की उदासी की दास्तां बयां करता है। श्रीलंका 1983, एक सोची समझी साजिश। तमिल मिलिटेंट्स द्वारा 13 श्रीलंकन आर्मी सोल्जर्स के मारे जाने के बाद देश में एंटी तमिल राइड्स हुए, जिसमें 7 दिन के अंदर 3,000 से ज्यादा तमिल सिविलियंस को मार दिया गया। ये श्रीलंका के इतिहास के सबसे काले 7 दिन थे। जब ये दंगे हुए, उस वक्त संगकारा 6 साल के थे। उनके पिता ने घर में कुछ तमिल फैमिलीज को छुपाया था। 1985 में एक बार फिर से ऐसे ही दंगे हुए। हिंसक और खतरनाक माहौल में संगकारा का बचपन बीता। पिता जो कि एक लॉयर थे, उन्होंने संगकारा को क्रिकेट सिखाया। घर के पीछे बैकयार्ड में पिता अपने बेटे को सीमेंट विकेट्स पे घंटों थ्रो डाउन्स देते थे। कैंडी के हरे भरे क्विकर टर्फ विकेट जो फास्ट बॉलर्स के लिए काफी मददगार थे, यहां से संगकारा को बेहतर फास्ट बॉलिंग खेलने की ट्रेनिंग मिली। उनकी टेक्निक्स फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट उन्हें रन बनाकर दे रही थी, जिससे स्कूल क्रिकेट में उन्होंने काफी रन मारा और फर्स्ट क्लास और नेशनल साइड के लिए सेलेक्ट हुए। लेकिन स्लो पिच पे स्पिन बॉलिंग के खिलाफ उन्हें ज्यादा बैटिंग करने को नहीं मिला, जिससे उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट के शुरुआती दौर में काफी परेशानी आई। Playing back to a fully pitched up delivery and paying the penalty and up goes umpire Harper's finger. Spinners के खिलाफ उनका footwork बहुत खराब था और turn को खेलना उनके लिए नामुमकिन था। Strike rotate करने की तो बात छोड़ ही दीजिए। संगकारा ने अपने शुरुआती कुछ matches में ठीक ठाक runs बनाए, लेकिन pacers के खिलाफ भी उनकी batting में वो fluency नहीं दिख रही थी जिसपे top order rely कर सके। उस वक्त किसी ने यह नहीं सोचा होगा कि अपने करियर के आखिर में कुमार संगकारा का पूरे श्रीलंकन प्लेयर्स में से बेस्ट बैटिंग एवरेज होगा, एन एवरेज ऑफ 57.40। तो कैसे संगकारा ने अपने अंदर ये बदलाव लाया और श्रीलंका के वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन बने, और क्यों? जब संगकारा का डेब्यू हुआ तब टीम वर्ल्ड कप विनर से भरी हुई थी। 1996 वर्ल्ड कप में किसी को सपने में भी नहीं पता होगा कि श्रीलंकन टीम इस साल की वर्ल्ड कप जीतेगी। अर्जुन रणतुंगा के कप्तानी में श्रीलंकन टीम ने उस साल के फेवरेट्स ऑस्ट्रेलिया को हराकर वर्ल्ड कप अपने नाम किया। 242 के टारगेट को चेस करते हुए श्रीलंका 23 रन पे अपने 2 विकेट खो चुकी थी। फिर आए अरविंद डिसिल्वा, जिन्होंने अपने शतक के मदद से टीम को 7 विकेट से मैच जिताया। इंटरनेशनल क्रिकेट में जहां कहा जाता है कि एक प्लेयर को अपने नेचुरल टेक्निक को नहीं भूलना चाहिए, वहीं संगकारा ने बुरे शुरुआत को देखते हुए अपने टेक्निक्स को बदलने का फैसला किया। इस बदलाव में अरविंद डिसिल्वा ने संगकारा की मदद की। उन्होंने संगकारा से ग्रिप को एडजस्ट करने को कहा, जिससे वो स्ट्रेट ड्राइव आसानी से खेल सके। सीरीज दर सीरीज उनकी छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट उन्हें एक बड़े बदलाव तक ले जा रही थी। आउटसाइड ऑफ स्टंप की प्रॉब्लम सुधर चुकी थी। टीम में स्वीप और कट शॉट उनसे बेहतर और कोई नहीं खेल सकता था। और जब शतक बनने शुरू हुए तब उन्हें एहसास हुआ कि बदलाव जरूरी है। ऐसी ही बदलाव वो अपने देश में भी लाना चाहते थे, जिस देश ने बहुत कुछ देखा था। 1983 और 1985 के दंगे, 2005 की सुनामी और देश पे आर्थिक संकट, इन सब के बीच एकमात्र क्रिकेट ही ऐसी चीज थी जो पूरे देश में एकता का प्रतीक था। श्रीलंकन टीम में सभी कास्ट सभी रिलीजन के प्लेयर्स थे। संगकारा और पूरी श्रीलंकन टीम जानती थी कि क्रिकेट ही इन जख्मों पे मरहम बनेगा। वर्ल्ड कप एक ऐसा टूर्नामेंट होता है जिसे पूरा विश्व देखता है, और उसके जीत से उस देश के यंगस्टर्स इस खेल में हिस्सा लेते हैं, जिनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो टीम की बागदौड़ को आगे ले जाते हैं।
1996 वर्ल्ड कप के बाद टीम में महिला जयवर्धने, लसित मलिंगा, कुमार संगकारा, तिलक रत्न, दिलशान जैसे खिलाड़ी आए जिन्होंने श्रीलंकन क्रिकेट टीम को नई ऊंचाइयों तक ले गए, लेकिन कहीं न कहीं इसके बाद आईसीसी टूर्नामेंट्स की ट्रॉफी की एक कमी थी। श्रीलंका के युवा के पास स्कूल के बाद इतने अलग अलग करियर ऑप्शंस हैं कि बहुत ही कम बच्चे क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं। संगकारा अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि फर्स्ट क्लास लेवल पे जो कॉम्पिटिशन हमारे जमाने में था, इस दौर में वो कॉम्पिटिशन और वो लेवल नहीं रहा। तो संगकारा, जयवर्धने और मलिंगा जैसे प्लेयर्स को पता था उन्हें अपने देश के लिए एक इंस्पिरेशन बनना होगा और ये सिर्फ अपने परफॉर्मेंस और टीम को बड़े टूर्नामेंट जिता के ही हो सकता है। 2003 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार के बाद 2007 के वर्ल्ड कप फाइनल्स में वापस से श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया के सामने खड़ी थी। इस वर्ल्ड कप में भी उन्हें निराशा का सामना करना पड़ा। उस वक्त महिला जयवर्धने टीम के कप्तान थे और वो श्रीलंका के एक बहुत ही सफल कप्तान थे। फरवरी 2009 में जयवर्धने ने अपने बैटिंग पे फोकस करने के लिए टीम का कप्तानी छोड़ने का फैसला किया। कुमार संगकारा को टीम का नया कप्तान बनाया गया। संगकारा, जिन्होंने बचपन से अपने देश के अंदर बहुत सारी परेशानी देखी, पॉलिटिकल इश्यूज और देश के युवा में क्रिकेट की घटती रुचि को देखा था, वो जानते थे कि 2011 वर्ल्ड कप देश के लिए क्या मायने रखता है। इस टूर्नामेंट के बीच संगकारा को एक ऐसी टीम बनानी थी जिसमें सभी प्लेयर एक मैच विनर हो। कप्तानी की शुरुआत 2009 T20 वर्ल्ड कप से, जिसमें एक बार फिर फाइनल्स में श्रीलंका को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद इंडिया टूर पे टेस्ट और वनडे सीरीज में शिकस्त। धीरे धीरे संगकारा की कप्तानी पटरी पर आ रही थी। बांग्लादेश और जिम्बाब्वे के साथ खेले गए ट्राई सीरीज में जीत के बाद इंडिया और न्यूजीलैंड के साथ ट्राई सीरीज में भी श्रीलंकन टीम ने अपना परचम लहराया। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया को उनके ही जमीन पे T20 और वनडेज में हराया। पहली बार श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीता था। फिर आया 2011 वर्ल्ड कप। टूर्नामेंट में सिर्फ पाकिस्तान से हार के बाद सभी लीग मैचेस जीत के श्रीलंका फाइनल्स में इंडिया के सामने थी। कुमार संगकारा ने अपने बैटिंग से 9 मैच में 465 रन बनाए थे और कप्तानी की एक मिसाल पेश कर रहे थे। पहले बैटिंग करते हुए श्रीलंका ने 274 रन का विशाल स्कोर बनाया। इंडिया को एक अच्छे स्टार्ट की जरूरत थी, लेकिन ये स्टार्ट श्रीलंका को मिला। दूसरे बॉल पे वीरेंद्र सहवाग को मलिंगा ने LBW आउट कर दिया और सातवें ओवर की पहली बॉल पे द ग्रेट सचिन तेंदुलकर को। मैच में श्रीलंकन टीम की पकड़ थी, लेकिन गौतम गंभीर और महेंद्र सिंह धोनी की पारी ने एक बार फिर श्रीलंका को वर्ल्ड कप फाइनल्स में हरा दिया। 4 साल में तीसरी बार श्रीलंका वर्ल्ड कप फाइनल्स में हारी थी। श्रीलंका के 2 करोड़ फैंस इस उम्मीद में थे कि उनकी टीम इस बार वर्ल्ड कप जीतेगी। इस मुश्किल वक्त में उन्हें थोड़ा सेलिब्रेट करने का मौका मिलेगा। संगकारा के चेहरे पर यह मुस्कान उन 2 करोड़ लोगों की उदासी बयां कर रहा था जिन्हें अपनी टीम से उम्मीदें थीं। लेकिन श्रीलंका की तो यही खास बात है कि कितने भी मुश्किलें आ जाएं, कितने भी परेशानियां हों, ये देश लड़ना जानती है। संगकारा और श्रीलंका को ये पता है कि स्पोर्ट्स और लाइफ ऐसी ही होती है, हर चीज हमेशा आपके हिसाब से नहीं चलती है और इन चीजों से उभरने का एक ही रास्ता है कि हम अगले वर्ल्ड कप की तैयारी करें। थोड़ी देर से ही सही साल 2014 में इस टीम ने इंडिया को हराकर T20 वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें। हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपनों का।